डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहा गया है। मैंने बस यहां पे उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। लिखा है कि फाइंड द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो आफ्ताब और उसकी बेटी की हमें उम्र निकालनी है और उसमें बस इक्वेशन हमें बनाना था और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। तो यहां कहा जा रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. कह रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं I was 7 times as old as मैं तुम्हारे तुम जितने उम्र की थी, यानी आज से 7 वर्ष पहले तुम जितने उम्र की थी मैं उसका 7 गुना था। यानी मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की कितनी थी? 7 टाइम्स मल्टीपल में। आल्सो देयर आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो और फिर कहता आगे कि अगर अभी से 3 साल बाद की स्थिति की हम बात करें तो आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ तुम्हारी उम्र जितनी होगी 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो तुम्हारी जितनी उम्र होगी 3 साल बाद और मेरी जितनी उम्र होगी 3 साल बाद उस समय मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। तो कह रहा है यहां पे फाइंड द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो आफ्ताब की और उसकी बेटी की कितनी उम्र है ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इसमें सबसे पहली बात क्या कही गई कि आफ्ताब 7 इयर्स अगो, दो पॉइंट में 7 years ago और 3 years from now, दो बातें जो important बात है जो हमें दो equation को बनाने में help करेगी उस पे हमें focus करना है। तो पहली बात क्या है कि 7 years ago तो 7 साल पहले। तो पहले तो हम इसके लिए present age से सब कुछ compare होगा। तो हम सबसे पहले आपका और उसकी बेटी दोनों के present age की बात करेंगे। हम उसके सॉल्यूशन पार्ट पे जब आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम आपका वन लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आपका आपका बी एक्सपीरियंस। हम प्रेजेंट एज आपका कितना मान लेंगे? x इयर्स मान लेंगे। और सिमिलरली उसकी बेटी की उम्र हम y इयर्स मान लेंगे। एंड द प्रेजेंट एज एज ऑफ आपका डॉटर आपका डॉटर B Y years। इस तरह से हमने प्रेजेंट एज मान लिया आपका आपका x है और आपका आपकी डॉटर का y है। अब सबसे पहले क्या कहा गया था? 7 years ago। हम कंडीशन के हिसाब से 7 years ago लिखेंगे। 7 years ago यानी 7 साल पहले। अब मान लो मेरी उम्र अभी 20 साल है तो 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 20 में से 7 माइनस करेंगे। उसी तरह से किसी की उम्र 30 साल है अभी तो 7 साल पहले कितनी होगी? 30 माइनस 7 यानी 7 साल पहले जो प्रेजेंट एज है उससे वो माइनस होगा। अभी यहाँ पे कह दिया 7 इयर्स अगो तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? अभी अगर एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 साल पहले आपकी उम्र क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 7 इयर्स। इसी तरह आपकी डॉटर की एज अगर अभी प्रेजेंट एज y है तो y माइनस 7 है। तो हम यहां लिखेंगे आफ्ताब एज इज इक्वल टू कितना? x माइनस 7 इयर्स। उसी तरीके से आफ्ताब डॉटर एज डॉटर एज इक्वल टू वाई माइनस
आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्वेश्चन में समझेंगे क्या कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आफ्ताब की एज है वो आफ्ताब की डॉटर की एज की 7 गुनी हो जाती है। यानी अगर दोनों की एज को मुझे बराबर करना होगा तो निश्चित तौर पे जिसकी उम्र कम है आफ्ताब की डॉटर की एज निश्चित तौर पे कम होगी। तो बराबर करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, आफ्ताब के डॉटर की एज, जिसकी एज कम होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप दोनों में से जो लिखना चाहे लिख लें। फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन में, आफ्ताब एज ये कब है, 7 इयर्स अगो। आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 इनटू आफ्ताब डॉटर एज, आफ्ताब डॉटर एज यानी 7 वर्ष पहले क्या हो रहा है, आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स ऑफ इस डॉटर से, यानी इस डॉटर की एज के 7 गुना है। बराबर करने के लिए मुझे जो छोटी उम्र है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, जो वैल्यू हमने यहां पे लिखी है आफ्ताब एज x - 7 इयर्स, मैं यहां पे लिख दूंगा आफ्ताब एज की जगह पे x - 7 इयर्स, x - 7 इज इक्वल टू ये 7 इनटू आपका डॉटर एज y माइनस 7 है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा y माइनस 7। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व हम करते हैं कुछ इस तरीके से, हमें इसको सॉल्व करना है x माइनस 7, मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7y माइनस 49, यहाँ पे आएगा 7y माइनस 49 किससे है, 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 7 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 49। तो इस तरीके से हमने उसको लिखा। और आगे क्या लिख सकते हैं, इसमें जो वेरिएबल्स सारे एक साइड कर लेते हैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, और इसको आगे लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमने पहला इक्वेशन फाइंड कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब हम इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे। तो दूसरा हमें कहा, अब कहा गया, मैं इसको पूरा नहीं लिखता, थोड़ा थोड़ा इरेज करके लिखता हूँ। अब आपसे कहा गया था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अभी से कितने साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ, तो अभी से 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद जो प्रेजेंट एज होगी उसमें 3 years ऐड कर देंगे। तो प्रेजेंट एज कितनी आपका आपकी x year, अभी से 3 साल बाद आपका आपकी एज कितनी हो जाएगी x plus 3 years हो जाएगी। उसी तरीके से आपका आपके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, तो y plus 3 years हो जाएगी। जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 years हम ऐड कर देंगे। अब क्या कहा गया, 3 साल बाद क्या होने वाला है, तो 3 साल बाद आपका की एज जो है आपका आपके डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी, 3 times मल्टीपल हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर वैसे ही करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन आपका एज इक्वल टू 3 into आपका डॉटर एज, ये कब हो रहा है, ये 3 साल बाद यानी अभी से 3 साल बाद। उसी अकॉर्डिंग हम इसके इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसका इक्वेशन भी उसी तरीके से बनेगा। अभी आपका आपकी एज कितनी, एक्स प्लस 3 यहाँ पर इज इक्वल टू 3 into आपका डॉटर एज, तो 3 into y प्लस 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और इसको आगे सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x वेरिएबल सारे एक जैसे वेरिएबल्स जो हमारे x माइनस क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, और क्या बन जाएगा इससे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। तो इस तरीके से पहला इक्वेशन मिला x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करें तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लें,
और इन दो इक्वेशंस को मैं अलग अलग तीनों मेथड से सॉल्व करवा के आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इन तीनों मेथड से इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बार और आप सीख पाएं कि इन मेथड्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। मैं इसको इरेज करता हूँ। मेरे पास दो इक्वेशन है अभी। जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, जो पहला इक्वेशन है और यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42, x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख लिए। अब अलग अलग करके हम इसको फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज ये जितने भी क्वेश्चंस आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस मिले उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलता, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। तो अब हम इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को में सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है कि वेरिएबल्स आइदर ऑफ द वेरिएबल्स आइदर एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इसमें किसी भी एक कोई भी एक वेरिएबल अगर आपका इक्वल है तो अगर सेम साइन वाला वेरिएबल ये देखिए यहां पे एक्स और एक्स दोनों इक्वल है, मुझे इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं दोनों इक्वल प्लस साइन वाला यानी इस केस में इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड है तो एलिमिनेट करना होगा। इसको अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सबट्रैक्ट करता हूँ तो ये जो साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये माइनस प्लस में, और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है यानी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस सेवन वाई प्लस थ्री वाई, इस माइनस को काउंट नहीं करना, अब यहाँ पे माइनस की जगह साइन क्या हो गया है प्लस, माइनस सेवन वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फोर वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6 दैट इज माइनस 48, और ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 48 अपॉन 4 यानी 12। देयरफॉर ये वाई एज किसकी थी, वाई एज किसकी थी, वाई एज थी जो हमारा आफ्ताब है उसके डॉटर की एज थी। हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू 12 इयर्स। अब आप इस वैल्यू को कहां पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y इज इक्वल टू 12 आप यहां लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 12, ये y इज इक्वल टू 12 किसी इक्वेशन में या सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, हम लिख सकते हैं x माइनस 3y, तो 3y वाला है 3 इंटू 12 इक्वल टू 6, या x इज इक्वल टू x माइनस 36 इज इक्वल टू 6, या x इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 42 इयर्स, या फिर कह सकते हो हेंस आफ्ताब एज, हेंस आफ्ताब एज is equal to 42 years and आपका daughter is equal to 12 years। तो इस तरीके से elimination method से हमने find कर लिया कि कैसे इसको solve किया जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अब मैं इसको substitution method से इसको कैसे solve करेंगे इसको देखते हैं। दोनों equations को किस तरीके से substitution से solve किया जा सकता है। ये हमारा इक्वेशन है, इसमें एक्स और एक्स दोनों साइड लिखा हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। अब इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर टू, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक वैल्यू को दूसरी जगह जाकर के उसको स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन कोई भी दोनों से किसी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू को उठा करके दूसरे में पुट करना, देखते हैं कैसे करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन देखें, फ्रॉम वन इक्वेशन वन क्या कर सकते हैं, माइनस सेवन वाई को उस तरफ लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस सेवन वाई,
ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमने इक्वेशन 1 से ये निकाला है, तो इस वाली वैल्यू को, यानी ये जो x की वैल्यू हमें मिली है यहां पे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में x की जगह पे ये रखना है, x की जगह पे -42 +7y हमें रखना है, यानी प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to -42 +7y from equation 3 in equation number 2 we get x की जगह पे -42 +7y -42 +7y ये इस वाले x की जगह पर क्या रखा -42 +7y फिर क्या हमारे पास -3y is equal to 6। अब इसको और सॉल्व करें, ये -42 ये चला जाएगा बराबर की उस तरफ, और ये 7y minus 3y is equal to हो गया हमारा 4y is equal to 6 plus 42 या y is equal to क्या लिख सकते हैं 6 plus 42 48 upon 4 ये हमारा आ गया 12, therefore y is equal to 12 यानी a आपका daughter age is equal to 12 year। और similarly जैसे मैंने इससे पहले x की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू y is equal to 12 आप किसी भी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 42 इयर्स। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो लास्ट और तीसरा मेथड वो हमारा क्या है, क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर उस मेथड से अगर हम वैल्यू निकालना चाहे वो देखें कैसे निकल सकता है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड करने के लिए आपको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू की इस तरफ जो वैल्यू उसको बराबर की इस तरफ ले आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे x minus 7y और ये minus 42 इधर आएगा तो जाएगा plus 42 equal to 0, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, x minus 3y और ये 6 इस साइड आएगा तो जाएगा minus 6 equal to 0। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहला कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है -7 और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 42। दूसरा हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट -3 और ये -6 कांस्टेंट है। अब यहाँ एक चीज करनी होती है हमें, हम एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए अगर हम यहाँ पे x लिखें तो x वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, हाइड, x वाली वैल्यू को हाइड करते हैं इसके बाद, और यहाँ ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, इस माइनस सेवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -6, यानी ये क्रॉस चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, -7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, इस -7 को -6 से मल्टीप्लाई की, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसमें क्या बचा, ये हाइट दिया हमने और यहाँ माइनस का साइन लगेगा और इसके बाद नीचे से मल्टीप्लाई होगा -3 × 42, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। ये हमने पहला पार्ट लिख दिया। अब दूसरे पार्ट में आएंगे, अब हमारा है वाई वाला पार्ट, तो वाई को हाइट करते हैं, तो वाई अपन हम क्या लिखेंगे। अब जब हम पहली बार सॉल्व कर रहे थे तो हम सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे लिया था और फिर नीचे से ऊपर लिया था, लेकिन जब हम सेकंड वाले पे पहुंचते हैं यानी वाई वाले पे पहुंचते हैं तो हम वाई वाले को हाइड करते हैं। और हम क्या करते हैं, इस बार नीचे से ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 42 हम पहले लिख लेंगे, यानी यहां x का फंक्शन क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 × y / 1 × 42 पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का साइन आएगा और इस बार ऊपर से नीचे अब मल्टीप्लाई 1 × -6, यहां पे 1 × -6, इस तरीके से हमने दूसरा भी कंप्लीट किया। अब तीसरा जवाब आता है, उसमें क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो आप इक्वल टू लिख करके 1 लिख दो, 1 अपॉन ये हाइट हो गया। और अब फिर जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया था, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, यहां पे कोफिशिएंट 1 है, 1 × -3 माइनस, पहले 1 × -3 किया और 1 × -7 हुआ, तो 1 × -7। और इसी चीज को हम अगले स्टेप में फिर से लिख लेंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन
माइनस सेवन इंटू माइनस सिक्स 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू सिक्स 42 हो गया, फिर यहाँ माइनस का साइन है, और माइनस 3 इंटू 42 कितना होता है 40, किया 120, दो किया 6, यानी 126, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 126 हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे इक्वल टू आया वाई अकाउंट, हम वाई अकाउंट लिखेंगे 42 इंटू 12 42 और माइनस 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 प्लस 6, इस तरीके से हमने लिख लिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस हमारा हो गया 7। जब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो मैं उस नेक्स्ट स्टेप को यहाँ सॉल्व करता हूँ, जब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो 126 प्लस 42 कितना हो गया 40 + 12 = 68, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन 168 इज इक्वल टू वाई अपॉन 48 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, माइनस 3 प्लस 7 4 होगा। अब जब हम इस स्थिति में आ गए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फर्स्ट एंड लास्ट से क्या लगेगा, x अपॉन 168 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 168 अपॉन 4, और ये जो कैंसिल करेंगे 4 को 16, 4 को 8, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 42। और फिर हम सेकंड एंड लास्ट करेंगे, फ्रॉम इट सेकंड एंड लास्ट करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको बता रहा हूं आपको, यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फ्रॉम सेकंड एंड लास्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड लास्ट, फ्रॉम सेकंड एंड लास्ट, तो हमारा सेकंड एंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, ये तो वैल्यू और इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, वाई अपॉन 48 इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया y इक्वल टू 48 अपॉन 4, ये कैंसिल करेगा 12 का एफ, तो ये हमारा है 12। इस तरीके से हमने क्या देखा, तीनों मेथड से, पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखा, और जो एज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए उस अप्रोच को भी देखा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप समझ गए हो तो इस चैप्टर में जितने एज वाले क्वेश्चंस हैं आप उसको अटेम्प्ट करो, साथ में और क्वेश्चंस आप नेट से ढूंढो या अलग अलग बुक से ढूंढो जिससे आपको और चीज़ें समझ में आए और अच्छे से आप इसको कर पाओ। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, थैंक यू वेरी मच।